जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक फर्स्ट स्टेज चल रही थी हमारी, उसके अंदर हम लोग भाटिया पार्टनरशिप फर्म को, भाटिया फुटवेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स को, हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन के लिए हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा था, उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग करना शुरू किया था, नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कैपिटल क्लॉज के अंदर हमें दो अमाउंट भरनी थी। एक तो पहली अमाउंट भरनी थी फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हमको देखो, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, आप माल आम जनता को, आम जनता के बीच में जाकर उनसे पैसा मांगकर आप उनको ओनरशिप देकर उनको मालक बना सकते हो। कैसे? शेयर बेचकर, शेयर ने अपने कैपिटल का हिस्सा बेचकर, है ना। क्योंकि बताओ क्यों, क्योंकि बीइंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, आप बड़े पैमाने पे खेलना चाहोगे, और अगर आप बड़े पैमाने पे खेलना चाहोगे तो आपको कैपिटल भी बड़ा लगेगा, और बड़ा कैपिटल अगर चाहिए तो आपके लिए मेंबरशिप आपको लार्ज करनी पड़ेगी, और लार्ज मेंबरशिप के लिए जरूरी नहीं कि हम हर किसी को जानते पहचानते होंगे, इसलिए कॉमन पीपल के पास हम जाते और बोलते अगर मालक बनना है तो इतने रुपए दो। कितने रुपए? तो मिनिमम वैल्यू वही फिक्स करने के लिए यहाँ पे कैपिटल लॉस बनाया जाता है, ताकि सभी के लिए पार्शलिटी ना हो, जस्टिस हो, क्या हो। इसलिए पहले से ही आरओसी बोलता है कि फॉर्मेशन के वक्त ही कैपिटल क्लॉज के अंदर वो मिनिमम हिस्सा है, कितने का एक हिस्सा, कितने का आप बेचना चाहोगे, हिस्सेदारी कितने में आप देना चाहोगे एक हिस्सेदारी। आप कम से कम एक आम कॉमन पीपल को अगर आपका मालक बनना है दुकान का, तो कम से कम आपको कितना अमाउंट वो दे सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपिटल नोन एज शेयर। सो व्हाट इज शेयर? शेयर और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल अभी मैं तुमको साइंटिफिकल दे रहा हूँ, लेकिन उससे मैच नहीं करना है कोई। अब देखो, एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है, मालूम आपको? सेल्स है ना सब में, ये सेल्स बहुत सारे मिलके बनती है। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स में से जो एक सेल है उसको हम बोलेंगे शेयर। अब सर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर शेयर होता है, ऐसा नहीं बोला। वैसे ही कंपनी के अंदर जो टोटल कैपिटल कंप्यूट होता है, क्या होता है, एक मिनट, टोटल कैपिटल मिलाकर, मिलाने के लिए वर्ड यूज हुआ है कंप्यूट, क्या हुआ है, कंप्यूट करना। टोटल कैपिटल जो कंप्यूट होता है, उस कैपिटल का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा जो है ना, 100 रुपए, 10 रुपए वाला, जितना भी आप वो हिस्सा रखना चाहोगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, कितना भी वो हिस्सा जो है उसको अपन बोलते हैं शेयर। द ईच वैल्यू ऑफ द टोटल कैपिटल इज नोन एज शेयर। शेयर इज द इंडिविजिबल यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और कैपिटल बोलते क्या, जिस जो लागत लगा के अभी तक धंधा चल रहा है। अब नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो मालक लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन आस्था, जो कंपनी के अंदर मालक लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कैपिटल ना बोलते हुए शेयर कैपिटल बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इसलिए जो कैपिटल कंप्यूट हुआ, ये बहुत सारे हिस्से करके आया हुआ है, बहुत सारे टुकड़ों में आया हुआ है। दैट्स व्हाई इस कैपिटल के अंदर सभी उन पर्सन का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे हिस्से करके आया हुआ कैपिटल को हमें नाम दिया शेयर कैपिटल। एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन आप देखो, कंपनी के अंदर मालक एक नहीं है, बहुत सारे, कितने पब्लिक कंपनी के अंदर तो अनलिमिटेड आप मेंबरशिप दे सकते हो, जितना आप करना चाहे करो, बराबर कि नहीं। तो इसलिए वो कैपिटल बहुत सारे हिस्से करके आया हुआ है, इसलिए उसका नाम दिया शेयर कैपिटल। अब अभी तक फॉर्म नहीं हुई है कंपनी अभी हमारी, अभी से आप देखो अगर 100 रुपए का मैं एक हिस्सा रख रहा हूं, 100 रुपए का एक हिस्सा रख रहा हूं, तो अभी प्रमोटर्स ने ही तो 50 लाख, 5 करोड़ रुपए लगा दिए। अरे 10 लाख रुपए अगर एक का प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है अभी, तो 50 प्रमोटर से 5 करोड़ रुपए हुए। अब 5 करोड़ के अगर 100 रुपए से हमने टुकड़े किए, कितने होगा? अब 5 करोड़ रुपए टोटल कैपिटल है, ये कैपिटल को हम बोलते हैं। और 100 रुपए का हम एक अगर शेयर का वैल्यू रख रहे हैं तो कितने होते हैं? 5 लाख। यानी हमने टोटल कैपिटल के 5 लाख हिस्से किए हुए हैं। कितने हुए? जब 5 लाख शेयर्स
हम उनके नाम पे जब करेंगे उस कैपिटल में से 100 रुपए वाले, तब जाके टोटल जो कैपिटल कलेक्ट होगा वो कैपिटल कलेक्ट होगा 5 करोड़। कितना होगा? और ये 5 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी की आज की तारीख में, मौजूदा तारीख में, अभी तक कंपनी बनी भी नहीं है, वैल्यूएशन है, यानी एंगेज है कैपिटल। और उस कैपिटल को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि 5 लाख हिस्से, 5 लाख टुकड़े करके वो कैपिटल बनाया गया है। क्योंकि हर एक मेंबर की जो कैपिटल है वो शेयर से मेजर होती है। ये मैंने आपको सब चीजें प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है, 3 दिन से रिमाइंडर करा रहा हूं। शेयर और कुछ नहीं है, आपके टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि आम जनता को अगर एक अमाउंट बोलोगे तो वो नहीं भरेगा, छोटी अमाउंट बोलोगे तो भर देगा। वनस कॉमर्स क्लास के अंदर 100 रुपए में किसको मालक बनना है आजीवन, बताओ? देखो तुम्हारे हाथ है, 10 लाख रुपए में किसको मालक बनना है? अरे भाई 100 रुपए दोगे तो 100 रुपए वाला प्रॉफिट मिलेगा, 10 लाख दोगे तो 10 लाख के जितना प्रॉफिट मिलेगा 100 वाला ही होना। देखा, इसलिए इसलिए कोई भी आम जनता कोई भी दुकान में इन्वेस्ट क्यों करे, तो इसलिए इसलिए मिनिमम वैल्यू फिक्स की जाती है, ताकि कॉमन पीपल भी इंटरेस्ट दिखा के इन्वेस्ट कर पाए, और वो मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं शेयर। और कुछ नहीं यार। हाँ वो पार्टनरशिप में मेंबरशिप का रेस्ट्रिक्शन था ना बेटा 50, यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो बहुत लोग कितने हैं, बस उससे ऊपर थोड़ी ना है। ओके, मेरी बात समझ में आया आपको? पब्लिक कंपनी का एक बेनिफिट क्या है? लार्ज मेंबरशिप। और लार्ज मेंबरशिप वो कैसे देगी, ओनर कैसे बनाओगे? जब आप कंपनी के ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, और ओन कैपिटल बोले तो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है ओन कैपिटल? किसको बोलते मालूम आपको? कैपिटल दो टाइप के होता है, ओन और बोरोड। पढ़ाया हुआ मैंने आपको, ओन कैपिटल ऐसा कैपिटल जो बीच रास्ते रिडीम होता, और यहाँ पे भी वो होता है, एक बार तुम कंपनी के अंदर मालक बन गए, तुमने शेयर खरीद लिया, तो कंपनी अब तुमको पैसा वो वापस नहीं देगी, वो पैसा दुकान बंद होने के बाद देगा वापस। तो क्यों? क्योंकि मालक अपने बीच रास्ते अपनी दुकान को छोड़ के जाता, वो आखिरी दम तक लड़ता है, वो उस कप्तान की तरह होता है जो कश्ती डूबने तक के, लास्ट मोमेंट तक के वो लड़ता है। समझा? क्लियर आपको? पक्का? तो हाँ बोलो। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट। ओन कैपिटल पे प्रॉफिट मिलता है हर साल, और बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपको मैं मालक बना रहा हूं, मालक। मालक को प्रॉफिट और लॉस एंजॉय होता है, सफर होता है। इफ कंपनी अर्न प्रॉफिट यू ऑल्सो सफर, यू ऑल्सो एंजॉय प्रॉफिट। इफ कंपनी सफर लॉसेस यू ऑल्सो सफर लॉसेस। क्योंकि मैं आपको मालक बना रहा हूं, मालक को सब झेलना है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। क्या मेरी बात सभी तरफ गई? ओके क्लियर। हाँ सॉरी प्राची, कोई प्रॉब्लम? हाँ अब सार्थक आपको कुछ क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए क्वेश्चन क्या है? हो गया बस? हाँ किसी का क्वेश्चन है अभी? नहीं है? ओके समझ में आ गया लगता, ठीक है। हाँ बोलिए, 1 मिनट। हाँ 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 बोलो। बेटा अभी देखो, अभी 50 है। एक क्वेश्चन क्या है सुनो सर, ये जो आप कंपनी बना रहे हो इसमें बहुत सारे ओनर है, कितने अभी तक के? 50 है। लेकिन 50 सिर्फ रहने के लिए ही तो हम कंपनी तो ना बना रहे, हमको 5,000, 5 लाख लोग चाहिए। जितने लोग ज्यादा उतना कैपिटल ज्यादा, जितना कैपिटल ज्यादा उतना धंधा ज्यादा, लागत पैसा पैसे को बढ़ाता है। कृष्ण खे रहे, अब सर आपने जो क्वेश्चन पूछा
कि पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा, हम पार्टनरशिप में रहने के लिए नहीं आए हुए, हमको लार्ज मेंबरशिप चाहिए, इसलिए हम कंपनी बनने आए हुए हैं, बराबर कि नहीं? अब लार्ज मेंबरशिप मुझे चाहिए, मुझे कंपनी बनना है, इसलिए कंपनी बना रहा ना, तो अभी 50 है, आगे कंपनी बनने तो दे, अभी फिर जलवा दिखाऊंगा ना आगे में क्या है, तो समझा आपको क्लियर? आज रिलायंस कंपनी का हर वो कॉमन पीपल मालक है जो इसने, जिसके पास शेयर है, क्योंकि उसने ऐसे कैपिटल में इन्वेस्ट किया है जो ओन है, जो रिडीम नहीं होता बीच रास्ते। ओन कैपिटल का मतलब क्या होता है? अ कैपिटल विच इज नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। दुकान में तो कंपनी, इट मस्ट रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। एक बात बताओ, एक मालक जब दुकान के अंदर पैसा लगाता है, तुम कॉमन से लगाओ, तुम सब लोग दुकान पैसा आते हो, अब वो पैसा तुम्हारा कब निकलेगा वापस? जब तुम दुकान बंद करोगे, बंद करने के बाद जब बाहर कर्जा निपटाओगे, फिर जो बचेगा वो तुम्हारा, बराबर कि नहीं? वैसे यहाँ पे भी होगा, जब कंपनी बंद होगी उस वक्त ये पैसा तुमको वापस मिलेगा। और इसके पहले अगर बीच रास्ते में मालक को निकलना है तो उसके लिए आपको अलग अलग मार्केट दिए गए, वही आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि मालक भी बीच रास्ते निकल सकता है, लेकिन कंपनी आपको पैसा नहीं देगी वापस, वो कौन देगा? तो उसके लिए आपको पहले वो तीन वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इशूइंग वैल्यू और फेस वैल्यू समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझना कि एग्जैक्टली एक बीच रास्ते शेयर का, मतलब शेयर में पैसे डाल के हम निकल सकते हैं कि नहीं। सबके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे, कुछ चीजों का समय अभी तक नहीं आया है इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूं। हाँ, अब आते हैं दूसरा। तो अब व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? अब ऐसा मुझसे हर्ष ने पूछा कि सर आपने कैपिटल क्लॉज का फेस वैल्यू तो बता दिया, अब ऑथराइज क्या होता है पहले वो बताओ। हाँ बोलो, फेस वैल्यू क्वेश्चन है आपका। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। देखो शेयर, क्वेश्चन क्या है मालूम है? क्या फेस वैल्यू को एमआरपी बोल सकते क्या? तो मैंने क्या बोला, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है कि तेरे बिजनेस में हिस्सा मांगना। एग्जाम्पल, अभी तू दुकान चला रहा, तेरे दुकान के अंदर मेरे को हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मेरे ओनरशिप चाहिए, तो तू अपना हिस्सा मुझे कितने का देना चाहेगा? कम से कम कितना पैसा मैं तेरे दुकान में लगाऊं, ये मैं तुझसे पूछूंगा, तो इसका मतलब है वो शेयर में तुझसे मांग रहा हूँ। क्या मांगू तुम्हें भाई? मैं बोल रहा हूँ भाई, तेरी चालू दुकान है, मुझे तेरा हिस्सेदार बना है दुकान के अंदर, तू बनाएगा क्या? कितना चाहिए कैपिटल बोल। तो तुम कैपिटल जो अमाउंट तुमने डिमांड रखी ना, उसको बोलेंगे शेयर। हाँ, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये आप अपने 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 बिजनेस के अंदर उसको हिस्सा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हिस्सा। समझा कुछ तुमको? अब इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना है क्या होता है, जान दो। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ। अब आ जाऊं वापस में, ठीक है? तो ये फेस वैल्यू क्या होता है भाई? कम से कम कितना हिस्सा रखे हम, पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ मैं इसके लिए 100 रुपए, इसके 1000 रुपए, तो पार्टी नहीं होंगी क्या? यानी सर मेरे को 100 रुपए में आप मालक बना रहे हो, इसको 1000 रुपए बना रहे हो, ऐसे क्यों सर? वो बोलेगा ना मेरे को आ रहा क्या? इसलिए सबके लिए एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, सबके लिए इक्वल वैल्यू, उसको बोलेंगे हम शेयर। कि कम से कम तुम कितना मालक, हमारे दुकान में मालक बनना है आजीवन काल के लिए, पूरे जिंदगी भर के लिए, तो कितना पैसा दोगे? तो कम से कम जो वैल्यू फिक्स किया ना, उसको बोलते शेयर। अब वो कंपनी के ऊपर है, कितना भी रख सकती है वो, कितना भी, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 1 लाख रुपए, लेकिन जितना ज्यादा रखेगी उतना वो क्राइटेरिया ऑफ पीपल कम करेगी। पूछो क्यों? 1000 देने वाले बहुत कम लोग होंगे, 100 देने वाले ज्यादा लोग होंगे, तो बताओ कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी, ज्यादा लोग मिले कि कम मिले? जितने लोग ज्यादा, उतना अमाउंट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा ना, तो जो तुमको मैंने हिस्सा दिया उसको बोलते शेयर। कैपिटल में तुमने जो कंट्रीब्यूट किया उसको बोलेंगे शेयर। समझा? अब मिनिमम में रखा, अब जैसे एग्जांपल अभी मिनिमम वैल्यू हमने जितना रखा उतना तुमको खरीदना नहीं है, तुम आ ज्यादा अप्लाई करो ना, लेकिन जैसे एग्जांपल अभी 100 रुपया रखा एक शेयर का वैल्यू, तो तुमको अगर 1000 रुपये डालना है तो तुमको हम 10 शेयर बेचेंगे। समझा? मिनिमम वैल्यू फिक्स किया तो क्या हो गया, सबके लिए इक्वलिटी हो गई। अब जितना जिसका कैपिटल उतना उसका अमाउंट में हर साल प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा। समझा आपको क्लियर? मैंने आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ता है मैंने आपको बताया था ना, शेयर्स इसके हिसाब से उतना प्रॉफिट उसमें हिस्सा मिलेगा।
ठीक है। हाँ अब आते हैं हम, ध्यान दो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सुन लो। तो मैंने हर्ष को बताया, हर्ष देख क्या होता है, एक कंपनी जब पब्लिक कंपनी बनती है तो आरओसी हमें पूछता है, क्या पूछता है कि आप अपने आजीवन काल के अंदर, यानी अपने जब तक आपकी दुकान चल रही उस पूरे कार्यकाल के अंदर, कब दुकान कब तक चलेंगी पता तो ही नहीं है, बराबर की नहीं, आप पब्लिक को हिस्सा बेचकर कैपिटल कलेक्ट करोगे और पब्लिक को मालक बनाओगे और उससे करोगे धंधा, क्या करोगे? तो वो आरओसी बोलता है कि हमें एक मैक्सिमम अमाउंट बताओ कि कितने के शेयर आप अपने लाइफ टाइम कितने के शेयर आप लाइफ टाइम आम जनता को बेचना चाहोगे। अब हर्ष बोलता है, सर ये अभी कैसे मालूम, दुकान चालू ही नहीं हुई अभी तक, तो अभी दुकान चालू ही नहीं हुई, पहले ही पूछ रहा आरओसी कि अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो पब्लिक कंपनी आम जनता से पैसा कलेक्ट कर सकती है, बताओ कैसे, क्या बेचकर, शेयर बेचकर, बराबर कि नहीं। तो वो हमसे पूछता है कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितना रेस मतलब कलेक्ट करना चाहोगे आम जनता से, बता। तो हर्ष बोलता है, सर ये तो ना इंसाफी है, नील बोलता ना इंसाफी है, ये तो कुछ भी है, यानी आरओसी को दिमाग नहीं, क्या बोलता, वो समझ नहीं आ रहा कि उसको भाई अभी तक दुकान चालू नहीं, अभी दुकान चालू करने का ये डॉक्यूमेंटेशन में अटके हुए हम लोग, हम पहले ही कैसे प्रिडिक्ट कर दे। तो फिर मैं बोलता हूं, उसको बोलता हूं, फिर आरओसी तुम कंपनी बनने क्यों दे भाई? देखो आरओसी इसलिए पूछता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज बाय द कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, बिकॉज वो इसलिए पूछता है हमसे वो कि तुम्हारे बिजनेस की उतनी लायकी है कि नहीं कैपिटल कलेक्ट करने की। पूछो क्यों? अब तुम्हारे बिजनेस की लायकी 5 करोड़ की है, तुम बोलते हम 50 करोड़ के शेयर आजीवन काल में बेचेंगे, तो तुम इतना पैसा करोगे क्या पहले वो तो बताओ, क्यों चाहिए तुमको 50, जब तुम्हारी तुम्हारे बिजनेस के प्लान के हिसाब से 5 करोड़ भाई तुम ठंडे हो जा रहे हो यहाँ पे, या 20 करोड़ में ठंडे हो रहे, तुम लिख रहे हो 50 करोड़, तो भैया 50 करोड़ काहे के तुमको चाहिए? तो फिर हर्ष बोलता है, सर आरओसी का क्या जा रहा, हम 50 करोड़ मांगे, पब्लिक का पैसा है भैया, उसमें क्या है? तो भैया पब्लिक बोलो आम जनता तो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, तो किसका नुकसान, देश का नुकसान। तो आरओसी बोलता है, भैया हम बैठे इसी के लिए ना, आपको हर गलत काम रोकने के लिए, बिकॉज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सो व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, सुनो, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू विच कंपनी कैन रेज बाय द इशू ऑफ शेयर फ्रॉम जनरल पब्लिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल बिकॉज इट मस्ट बी मेंशन in the capital clause of the memorandum at the time of registration. It is also called as fictitious capital. किसकी? बताऊंगा ना, अरे सब लिख के दूंगा, टेंशन मत लो। अब मेरे को मालूम है सब तुम्हारे ऊपर से क्या होगा, सुनो अब बता रहा हूं मैं क्या। हर्ष ने बोला, सर इज्जत से सिंप्लीफाई समझाओ, ये फालतू की अंग्रेजी मत झाड़ो, हमको उस पल्ले पड़ा, हम गावरन आदमी, ग्राउंड लेवल पर रहने वाले आदमी है, तो राउंड लेवल समझाओ ना। देख भाई सुन, मैंने बोला तूने शेयर की एक वैल्यू तो फिक्स कर दी, कितने का एक हिस्सा, 100 का हिस्सा। अब 100 रुपए हमने ये फेस वैल्यू अज्यूम करो फिक्स कर दी, यानी एक कम से कम मालक बनना है तो कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्ट करना रहेगा, 100 रुपए मैक्सिमम चलता, जितना तुम्हारी कैपेसिटी होती करो। तो कभी भी आना कंपनी में, जब कंपनी जब तुम्हारी बन जाएगी तो हर पब्लिक अपने आप नहीं आएगा, ए मेरा शेयर लो, मेरा 100 रुपए लो, 100 रुपए ऐसे, पहले कंपनी ऑफर करती, क्या करती पहले, हाँ। और कंपनी ऑफर कब करेगी, कंपनी को जब पैसों की नीड होगी, बराबर कि नहीं, जब जब कंपनी को पैसों की नीड होगी तब कंपनी अपने शेयर पहले ऑफर करेंगी, कितने शेयर वो निकाल रही, तो लाइफ टाइम तुम्हें कितने के शेयर बेचकर आम जनता से कैपिटल कलेक्ट करना है वो पहले ही बता दो, एक आंकड़ा अमाउंट, उस अमाउंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज बाय द रेज यानी बढ़ाना, विच कैन बी रेज बाय द इशू ऑफ शेयर फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय द कंपनी।
दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. अब सर ये एग्जाम्पल बताओ, उलझाओ मत. बोला देखो, मैंने बोला देखो तूने एक एक हिस्से की वैल्यू तूने 100 रुपए तय कर दी, एक हिस्से की वैल्यू तूने 100 रुपए तय कर दी. सबको मेरी बात समझ में आ रहा है? डन. अब तुम जब पब्लिक कंपनी बन जाओगे, मैं तुमको बना के दूंगा, टेंशन मत लो. अभी बनाना चालू है, अभी बनाना कौन सी स्टेज पे है? पहली स्टेज पे, लेकिन आते आते थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगी. बराबर कि नहीं? तो आरओसी हमसे आगे चल के, आरओसी से मुलाकात कहां होगी बोलो बच्चा लोग? और वो अकेला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन है जो हमारे दुकान को कंपनी बनाने की कैपेसिटी रखता है. तो हमसे वो पूछेगा, देखो सुन ध्यान दो, वो हमसे पूछेगा कि देखो भैया 100 रुपए तुमने एक टुकड़ा रखा कैपिटल का, तो टोटल कैपिटल पब्लिक से बेच कर कितना कलेक्ट करना चाहोगे आजीवन, यानी अपने लाइफ टाइम? वो हमको पहले आंकड़ा दे दो. तो हर्ष बोलता सर देखो लिखना है क्या? हाउ लिखना है? इसके सिवा कैपिटल लॉस कंप्लीट नहीं होगा. बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? लिखना तो पड़ेगा भैया. सर ध्यान दो बच्चा लोग. तो बोला सर एक काम करो, हम लोग ना, हम लोगों को बिजनेस बाइडन तक पहुंचाना है, यानी अमेरिका, यूएस, अमेरिका, रशिया, चाइना, यहाँ पे हमको, हाँ, यानी रशियन गर्ल्स भी हमारी चप्पल पहने पहनेगी ना, ऐसे भाटिया फुटवेयर मुझे बोल रहे. ओ भाई चप्पल पहनने को बोला और कुछ नहीं बोला. ये गर्ल्स के मन में तो नहीं, क्या बॉयज के मन में तो नहीं, क्या ही चलता है? ठीक है, बॉयज तो हम समझ सकते, गर्ल्स क्यों हंसती है? बॉयज के चलो नालायक है मानता, गर्ल्स तुमसे तो एक्सपेक्ट किया ना. चलो ओके, रशियन को जूती पहनाएंगे बस. हाँ ओके, तो मैंने उनको बोला, हर्ष ने बोला सर देखो हम लाइफ टाइम हम एक एक 10 लाख शेयर निकालेंगे. कितना बोला? 10 लाख शेयर निकालेंगे. अब 10 लाख शेयर्स यानी 10 लाख टुकड़े हम 100 रुपए वाले बेचेंगे. इस तरीके से लाइफ टाइम हम पब्लिक को कितने का कैपिटल कलेक्ट करेंगे? अब 10 लाख इंटू 100 कितना होगा? 10 करोड़. पक्का? तो 10 करोड़ रुपए के हम शेयर बेचेंगे. यहाँ पे मिला झंडू, 5 करोड़ के शेयर तुमने अभी ले लिए, निकाले हुए कंपनी फॉर्म होते थे, 5 करोड़ के शेयर तुमको देने पड़ेंगे. वो प्रमोटर्स आए ना, तो बाकी तुमको सिर्फ 5 करोड़ के शेयर चाहिए बस. अच्छा कितना लिखूं? बढ़ाना. अरे बड़ा तुम्हारी दुकान के सपने अच्छे, आरओसी परमिशन कर देगा, टेंशन मतलब बैठा हूं मैं, अच्छा वकील हूं, लेके दूंगा परमिशन. तो बोला ठीक है सर कितना? तो ना एक काम कर, तू कम से कम 30 लाख तो शेयर ले ले, 30 लाख के शेयर तू आजीवन पब्लिक को बेच देना. अब तो बेचना ही है क्या? अरे बेचना ही है, कंपलसरी थोड़ी ना, हमको सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट पूछ रहा है कि कितना आप लाइफ टाइम पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना चाहोगे शेयर बेचकर. वो अमाउंट को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल. बस अब इतना बेचना ही है, जरूरी नहीं है. अरे पीने को तो जहर भी पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब तो ना पिया ही जाए. याद है कुछ झलक? वैसे यहां पे भी है कि बेचने को तो शेयर बेचा जा सकता है, लेकिन शेयर बेचना ही है, कंपलसरी थोड़ी ना है. समझा क्या? आरओसी पूछता है कि एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दो बस, ताकि मैं देखूं कि तुम्हारा जो बिजनेस प्लान आया, फाइनेंशियल प्लान आया, उससे तुम्हारा ये ऑथराइज कैपिटल मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है ना. तुम्हारी लाइफ ही है कि नहीं दुकान की, इतने शेयर खरीद बेचने के बाद कैपिटल कलेक्ट करने की, उतना बिजनेस फैलाने की, वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए वो सब एक अमाउंट पूछता है, आंकड़ा बताओ. समझा क्या? अब सर इतने अगर हमने अगर अब 30 लाख शेयर, 30 लाख शेयर 100 रुपए वाले कितने होते हैं? 30 करोड़. तो 30 करोड़ के आजीवन काल में आप शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकते हो. अब सर
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये मैं से ये रहेगा, मेरे को मालूम है आगे आपका क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं अपने आप को ही क्वेश्चन पूछ के आंसर दे रहा हूँ। सुनो कि सर अब मैंने 30 करोड़ यहाँ पर सेट कर दिया सपोज, तो सर 30 करोड़ के शेयर मेरे को कंपनी बनते से निकालना है, ऐसे जरूरी नहीं है। व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड फाइनेंस यू इशू शेयर्स, यू ऑफर शेयर्स, सिंपल। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 लाख शेयर रजिस्टर कराए कंपनी फॉर्म करते वक्त, 30 लाख शेयर की परमिशन दो कि 30 लाख शेयर में अपने आजीवन काल के अंदर कॉमन पीपल को जनरल पीपल को जनरल पब्लिक को मैं शेयर बेचकर कैपिटल करके धंधा करूंगा और सब हम कमाएंगे, तो सब वो कॉमन पीपल भी कमाएगा जिसने शेयर में पैसा लगाया हुआ है। बराबर कि नहीं? निकालना ही है, ऐसा नहीं जरूरी तो नहीं। आपको अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कंपनी बनने के बाद 2 महीने बाद, अब कंपनी बना दिया मेरे को दे दिया, 2 महीने बाद तुमको लगता है कि सर हमको ना 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो तुम 2 लाख के शेयर निकालो, 2 लाख के शेयर निकालो। कौन बोलता तुमको 30 करोड़ के शेयर एक साथ निकालने? अरे पब्लिक ने खरीदने का भी जो ना, तुम तो ऑफर करोगे वो खरीदेंगे क्या? नहीं। तो जब जब व्हेन यू रिक्वायर्ड फाइनेंस यू कैन इशू शेयर, इशू यानी ऑफर करना, ऑफर है ना, यू कैन ऑफर द शेयर, यानी आम जनता डायरेक्ट आके कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकता, कंपनी पहले ऑफर करता है और वो ऑफर वाला शेयर है वो इसके अंदर का लिमिट होना चाहिए, इसके अंदर का लिमिट होना चाहिए। सपोज मैंने देखो अब मैं तुम छोड़ो ना, मैं तुम्हें जरा टेंशन ले रहा हूँ, टेंशन मत लिया करो। देखो सर सपोज क्या हुआ बेटा, 11th वाले बच्चों को ऑथराइज का ए तक नहीं आता, तुम अपने कलीग से पूछ लो जो तुमको टेंडरे मारते ना, सब्जेक्ट होंगे हमारा SB, उनसे मुझे ऑथराइज केवल क्या होता मान जाऊंगा। हाँ शेयर खत्म हो तो इसके अंदर का ही लिमिट चाहिए। 30 लाख शेयर तुमने बेच दिए आजीवन, बस उसके ऊपर नहीं बेचना, और सर मैं बेचना चाहूं तो अल्टरेशन करना पहले मेमोरेंडम के अंदर, होता ना लॉ के अंदर अल्टरेशंस अमेंडमेंट्स। हाँ अरे यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर ऑथराइज्ड लिमिट आल्सो आगे चल के। एक मिनट, एक एक करके क्वेश्चन पूछो भाई। देखो क्या होता है कैप्टन्स, इट्स रिक्वेस्ट यू आप आर्गुमेंट में करो, आप डायरेक्ट बाहर निकाल दे जाओ, फिल्ट्रेशन करो, फिल्ट्रेशन, अच्छा माल चाहिए यहाँ पे, डिफेक्टिव नहीं। ओके हाँ स्टूडेंट्स मतलब हाँ चलो ध्यान दो एक एक करके। हाँ पीयूष बता तुम ना क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन पूछ के ना मेरे को बुला देते मैं क्या बोलने वाला हूँ। हाँ बोल। देखो कैपिटल, हम शेयर बेच के कलेक्ट क्या कर रहे हैं कैपिटल, तो ये कैपिटल की अमाउंट लिखनी पड़ती है और कंपनी के अंदर कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं मैंने अभी बताया आपको 2 मिनट पहले, क्योंकि वो एक हिस्से एक किसी पर्सन का मतलब नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा है वो, इसलिए उसका उसके बहुत सारे टुकड़े होके आए हुए हैं, इसने नाम दिया शेयर, शेयर तो हिस्से, हिस्से करके आया हुआ कैपिटल बोलते शेयर कैपिटल, समझा? हाँ हाँ 100 रुपए, अब एक शेयर का पे चलो एक बार फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा। हाँ 10 का कैसे होगा, 110 का कैसे? देखो मैं वही बात कर रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हो मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो, अभी तक आपने तीनों वैल्यू देखी है क्या? वो मेरे को बोल रहा था आगे जाके 110 का हो गया, वो 110 का 5 हजार का भी होता एक शेयर, लेकिन दैट इज नॉट अ फेस वैल्यू, दैट इज अ मार्केट वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया एक शेयर की कितनी वैल्यू होती है, 3, कौन कौन सी? फेस वैल्यू, मैंने इश्यूइंग वैल्यू, मार्केट वैल्यू बताया अभी तक, तो बताऊंगा तो आगे समझ जाएगा, टेंशन मत ले, समझा क्या? तो सब्र करो यार, सब्र का फल मीठा होता है। सुनो हाँ अब देखो 30 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी, मैंने यहाँ पे लिमिट लिख दिया ऑथराइज कैपिटल 30 करोड़, तो आजीवन काल के अंदर अब 30 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी कंपनी, बस कितने शेयर बेचकर? अब 100 का एक शेयर है, 30 करोड़ का करना है तो 3 लाख, 30 लाख शेयर, वो 30 लाख शेयर बेचकर 100 रुपए के हिसाब से वो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो इस तरीके से वो 30 करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकती है और कैपिटल लगा सकती है आम जनता से लेकर। अब सर 30 करोड़ के शेयर नहीं, मेरे को 2 लाख के शेयर बेचना है, तो तुम बेचो ना, तो देखो अब देखो याद ना, तुमको ये तुम इसको आजीवन काल के लिए लिमिट है, तुमको अगर 2 लाख के शेयर चाहिए तो 2 लाख के निकालो, 5 करोड़ के शेयर चाहिए 5 करोड़ के शेयर निकालो, जब जब तुमको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तुम उतने ही शेयर निकालो, जरूरी नहीं कि तुमको एक साथ पूरे शेयर निकालने। पूछो क्यों?
क्योंकि क्योंकि कंपनी आम जनता, आप हैंड रेस करके पूछोगे ओके, अभी ऐसे कोरस में नहीं। हाँ क्या बोला था मैं अभी आपको? हाँ क्योंकि देखो जबरदस्ती कंपनी अपने शेयर निकालती, पूछो क्यों? अरे जितने मालिक बढ़ेंगे उतना एक एक का प्रॉफिट कम होगा ना। जब कंपनी को लगता कि हाँ मेरे पास धंधे में कैपिटल लगाने के लिए है, मेरे पास धंधे की आइडिया अच्छी है या मेरे को बढ़ाना है, बढ़ ही रहा धंधा, तो ही हम कंपनी कैपिटल लेंगे। जबरदस्ती मालक बना के आंग पे बिठाएंगी नहीं वो, इसलिए कंपनी के अंदर खुद के कॉमन पीपल आके बोलता नहीं कि 100 रुपए मेरे शेयर, मेरा भी सवाल। पहले कंपनी मांगेगी फिर आपको भरना है, वो मांगने को बोलते हैं इशू करना। क्या बोलते हैं? और ये इशू किसका लिमिट होना चाहिए? ऑथराइज का। कितना चाहिए? इसलिए ऑथराइज कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड होता है, इशूड अनइशूड। इशूड अनइशूड, व्हाट इज इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल मींस ऐसा कैपिटल जो पब्लिक को अभी ऑफर करने जा रहे हैं। भाई पब्लिक को ऑफर कर रहे, जिसको खरीदना है खरीदो, आ जाओ आ जाओ, माल खुला हुआ है अभी। और अनइशूड ने क्या? अनइशूड कैपिटल ने ऐसा कैपिटल जो अभी ऑफर नहीं किया है, इट विल ऑफर एट फ्यूचर डेट। कब? पता नहीं, जब एनीवर रिक्वायर्ड फाइनेंस, कंपनी रिक्वायर्ड फाइनेंस, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होगी तब। इसलिए इसलिए कंपनी की मन मुताबिक अपने शेयर का पैसा ए बचलो, कंपनी अपने मन मुताबिक अपने शेयर का पैसा शेयर ऐसे आम जनता अपने मन मुताबिक कभी भी शेयर ले सकता नहीं है। पहले कंपनी ऑफर करेगी, फिर अप्लाई करने पड़ते, अप्लाई करने के बाद जाके आम जनता को शेयर दिए जाएंगे। कंपनी और डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करेंगे, वो लॉ के एग्जीक्यूटर ही है। वो ये नहीं बोलेंगे हाँ इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, मेरे को इसको शेयरहोल्डर नहीं बनाना है। भैया अगर लॉ की प्रोविजन फुलफिल नहीं करेगा कोई पर्सन तो ही वो नहीं दे पाएंगे। ऐसा वो भाई बैठे ऊपर तो कुछ भी करेंगे ऐसे नहीं होते। ये कानून को सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे, करेंगे क्योंकि कंपनी चलाता है बोर्ड डायरेक्टर है ना शेयरहोल्डर है, चलाता है लॉ। कौन चलाता है? कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय Having perpetual succession and common seal. क्या है आगे बताऊंगा। हाँ बोलो। वेस्ट कर लिए मतलब? हाँ 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 बिल्कुल। उसके लिए वोटिंग होती है, रिजोल्यूशंस। किसकी? कभी रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग की चाहिए होती है और कभी चाहिए शेयरहोल्डर्स की मीटिंग का रिजोल्यूशन, समझा? और वो आगे जब हम आपको मीटिंग पढ़ाऊंगा मीटिंग के टाइप्स, तब मैं आपको आगे बताऊंगा उसको, अभी फिलहाल नहीं। उससे कोई मतलब नहीं बनता कंपनी के पास। अब वो क्यों? अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, समझिए। देखिए कैपिटल क्लॉज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कैपिटल क्लॉज ही सबसे मेन है, सबसे मेन, सबसे खतरनाक है कैपिटल क्लॉज। इसके ऊपर आपका 11th और 12th है पूरा। बस तुमको कैपिटल क्लॉज समझ में आएगा, तुम्हारा 12th कॉम्प्लीमेंट्री में हो गया पूरा मेरे साइड से। मुझे कुछ नहीं पढ़ाना 12th में, अभी ध्यान दो। हाँ तुम्हारा सिर्फ 11 नहीं हो रहा, तुम्हारा 12th भी हो रहा है आपका। यहाँ पे मैंने क्या बोला? तुम अपने फ्रेंड से पूछ लो व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, दे डोंट नो। नहीं तो आज लगे तो ट्रायल मार लेना, क्योंकि जब मैं कोई कुछ चीज बोलता हूँ ना तो मैं कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। मार्केट को पूरा एवेल्युएट करके तुमको पढ़ाता बेटा मैं। हाँ ऐसे तो ना लीड कर रहे, ध्यान दो। ए बेटा बस खाली बस हाँ। चंद एक चांस दे, देखिए। हाँ अब जब कंपनी, अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ मार्केट। अब सर कहां कहां क्या आ रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुमको एक शेयर की तीन वैल्यू समझनी है तो टाइप्स ऑफ मार्केट तुमको समझना पड़ेगा। देखो एक शेयर है ना शेयर, उसके लिए दो टाइप के मार्केट बनाए गए हैं। पहला मार्केट बनाया गया है प्राइमरी मार्केट। ए बच्चा लोग क्या बनाया गया है? और दूसरा बनाया गया है सेकेंडरी मार्केट। पीयूष तेरा आंसर अभी आएगा। कल मेरे को प्रथम आके बोलता सर देखो मेरे पास दो शेयर है, मेरे को इतना पता है कि सर मैं आपको सिखाता हूं। मैंने बोला कौन से मार्केट से लिया? बोला सर मार्केट मार्केट नहीं शेयर है दो। समझा कुछ तुमको? यानी बोलते हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर
याद है आपको भाई, नॉलेज नहीं होना एक बार पुड़ता, हाफ नॉलेज तो डेंजर ही है, मार के छोड़ता अपने को, बस वही है थोड़ा बहुत तुमको क्या पता, तुम तो ऐसे उड़ते पूछो ही नहीं, कुछ समझा क्या? और आज वो आया ही नहीं, देखो सीखना है उसको लेकिन आना नहीं, बताओ तो जादू की चढ़ी के मेरे पास। चलो सुनो, जब भी कंपनी अब कंपनी बनी क्या अभी तक, मैं पहले हर्ष को बता रहा हूँ, अभी कंपनी बनने के बाद तुमको फुल शूट है कि तुम पैसा कलेक्ट कितना भी कर सकते हो आम जनता से, अगर पब्लिक कंपनी का परमिशन मिल गया तो। हमने अप्लाई पब्लिक कंपनी के लिए किया, कैसे मालूम पड़ा? नेम क्लॉज देखकर, ओके, और ऑथराइज्ड लिमिट सेट करें हम, इसलिए सुनो। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी जब भी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, क्या करती है उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स, क्या बोलते हैं इसको? और ये इशू ऑफ शेयर के ऊपर आपको अकाउंटिंग एक टॉपिक है 8 मार्क का, 12th में आपको टॉपिक है अकाउंट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद शेयर का, पढ़ रहे एसपी में हो और इसकी अकाउंटिंग तुमको अकाउंटिंग में करना है 8 मार्क का पेपर में, बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन आएगा, तब मैं आपको शेयर क्या होता है, इशू ऑफ शेयर क्या होता है ये नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ा है मैं गलिया बोलूंगा पीछे, हाँ सही है ना? अरे जब पढ़ाने वाला मैं ही हूँ अकाउंट एसपी ओसीएम, तो मैं डबल हमारे क्यों करूं, तभी तो मैंने 3 रुपए लिए ना एक साथ, ये तीनों कनेक्टेड है ये सब्जेक्ट्स। सुनो, और ये इश्यू ऑफ शेयर जो है ना वो ऑथराइज का ही लिमिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, अब सुनो, अब जब भी कंपनी अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है, आम जनता को बेचती है कब? पहली बार या अगली बार या दूसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, मैंने क्या बोला आपको, ऑथराइज पूरा पैसा एक साथ निकालती, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। तो वो जो मार्केट है ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट, उस मार्केट का टाइटल बनता है प्राइमरी मार्केट। क्या बनता है? प्राइमरी मार्केट। उस मार्केट को बोला गया है प्राइमरी मार्केट। एग्जांपल दूं, सपोज भाटिया कंपनी बन गई, का भाटिया कंपनी की तीनों स्टेज बन गई और 3 महीने बाद आके बोलता मेरे को, हर्ष में कंपनी का सेक्रेटरी नील, हर्ष, धीरज और ये बोर्ड डायरेक्टर सब आके मेरे को बोलते हैं, नहीं एमडी कौन था, हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे से कॉर्डिनेट करता, बाकी सब तो नालायक आते नहीं, हाँ एमडी बोलता कंपनी रिक्वायर्ड फाइनेंस, पैसा है ना, पैसा चाहिए भाई, तो मतलब बेचो ना शेयर, पब्लिक कंपनी क्यों बना के दे तुमको ना, तो पब्लिक कंपनी को एक नया आपको सपोज एक नया प्लांट लगाना था, सपोज कहां पे, गायगांव में प्लांट फैक्ट्री जूतों की लगाना है गायगांव में, अब प्लांट यानी फैक्ट्री पुकड़ में आती क्या, लगता पैसा नहीं है, खत्म हो गया, तो अपनी खेती तो है ही, शेयर क्या है अपनी, बेचो शेयर 5 लाख के, कितने के, 50 लाख। अब 50 लाख रुपए कंपनी फॉर्म होने के बाद सपोज 50 लाख रुपए इनको चाहिए, तो 50 लाख रुपए के हम निकालेंगे पब्लिक को शेयर, 100 रुपए दो मालक बनो, ऐसे बूंद बूंद से 50 लाख आएंगे, सागर बनेगा, बूंद बोल दो शेयर और सागर बोल दो शेयर कैपिटल, समझा आपको, क्लियर समझ आ रहा, देखो आ रहा हमने, हाँ। अब 50 लाख रुपए के मेरे को कैपिटल चाहिए, 5 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी निकला हुआ है, कहां निकला हुआ है, वो पार्टनरशिप से प्रमोटर आया नहीं थे 5 करोड़ रुपए, अरे 5 करोड़ पीछे के पीछे बताई हुई है ना, प्रमोटर्स ने जो पैसे लाए हुए उनको भी शेयर में मेजर करेंगे ना, तो कुल मिला के 5 करोड़ का शेयर कैपिटल अभी तक बना हुआ है, जो प्रमोटर्स को हमने एस्टेब्लिशमेंट के वक्त ही दिए थे, इसमें डायरेक्टर का पैसा भी है, बराबर कि नहीं, अरे डायरेक्टर का पैसा भी है ना, अरे 10-10 लाख रुपए एक एक ने भरे थे याद करो, तो 50 लोगों ने 5 करोड़ रुपए भरे होंगे, सबको आपका समझ में आ रहा है, यानी शेयर कैपिटल अभी 5 करोड़ रुपए है, 50 लाख और चाहिए, तो मैंने कहा लो अपनी कहती है 30 करोड़ तक के तुम अपने मार्केट में शेयर बेच सकते हो, तुमको परमिशन लेके दिया ना मैंने आरओसी से, कैसे में लेके दिया परमिशन, किसमें डाल के, कैपिटल क्लॉज में डाल के, क्या डालकर, ऑथराइज कैपिटल, क्या बोलते इसको हम, कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या होता समझ में आ गया ना अभी, हाँ। तो 50 लाख के शेयर हम लोग पहली बार निकालने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या निकाल पाएंगे क्या, अब 50 लाख रुपए कैपिटल चाहिए तो कितने शेयर में निकालूं मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 100 का एक शेयर,
तो 50 लाख रुपए चाहिए, तो ऐसे ऐसे 50,000 शेयर्स कितने, 50,000 शेयर्स कितने 100 रुपए वाले निकालूंगा, तो कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट होगा, 50 लाख होंगे ना पक्का, श्योर 50 लाख रुपए के कैपिटल हमें और बढ़ाना है धंधा करने के लिए, न्यू ब्रांच खोल रहे, न्यू फैक्ट्री खोल रहे, कहां पे, गायगांव में, जो गायगांव में नहीं है अभी, अज्यूम करो। अरे 50,000 हिस्से बेचूंगा, 100 रुपए का एक हिस्सा, तो टोटल कैपिटल कितना कलेक्ट होगा। तो जो भी मार्केट ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में, सर वो ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट सिखाओगे, आगे सिखाऊंगा, आगे आगे वो जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में मैं जो शेयर ऑफर करूंगा जिससे कॉमन पीपल डायरेक्ट कंपनी को पैसा देके खरीदेंगी, उस मार्केट का टाइटल का नाम बोला गया है प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते उसको, अब ये प्राइमरी मार्केट कहां है, बताओ बताओ, मेरे को शेयर खरीदना है, ये कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये हर कंपनी जहां से भी कंपनी ने ऑनलाइन या ऑफलाइन में जहां बोला कि ये इधर शेयर मिल रहे भैया ले लो, या इस एप्लीकेशन में शेयर मिल रहे हमारे, या इधर मिल रहे, उस ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया प्राइमरी मार्केट। ये कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है जाके वहां के जाके खरीदोगे शेयर दो हमको, समझ में आ रहा क्या। कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट दो होते हैं। कमोडिटी मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहां पे वहां पे ही जाके खरीदना पड़ता है, एग्जांपल किराना आइटम चाहिए, कहां जाऊंगे किराना मार्केट में, कपड़ा आइटम चाहिए कपड़ा मार्केट में, लेकिन शेयर मार्केट का कोई प्लेस फिक्स नहीं है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी फॉर्मेट में जहां भी कंपनी ने अपने शेयर निकाले पब्लिक को, शेयर क्यों निकाल रहे बताओ, कंपनी को क्या चाहिए, कैपिटल, क्या चाहिए कैपिटल, और वो कैपिटल कंपनी तुमको वापस नहीं देंगी क्योंकि तुमको वो मालक बना रही है, क्या बना रही है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सपोज इशिका कॉमन पीपल है, उसने देखा कि नहीं यार ये भाटिया कंपनी बहुत चल रही है, हमने मैंने इसको फुटवेयर मैंने अपने शादी में भी शूट डाले थे, काफी अच्छे हुए उसके, मैं तो लेती शेयर, चलो। तो वो आती बोलती सर मेरे दोस्त शेयर, वो अप्लाई करेगी, अप्लाई करने के लिए उसको मुंबई आना नहीं पड़ेगा, पुणे आना नहीं पड़ेगा हेड ऑफिस में, एक बीच में हम बैंकर रुकाते, बैंकर कौन रुकाते, वो कैसे शेयर बेचती है उसकी प्रक्रिया होती है, क्या होती है प्रोसेस होती है, क्या होती है उसको बोलते हैं प्रोसीजर रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। कब पढ़ाओगे, आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं, सही समय आने दो, अभी कंपनी बनी नहीं है तो मेरे को आगे बढ़न दे रही नहीं हो, क्या मेरी बात आपको समझा रहा है। कंपनी की हर स्टेप किसके मुताबिक होती, एज पर दी प्रोविजन ऑफ लॉ, बिकॉज कंपनी कौन है, कठपुतली, बनाएगा कौन लॉ, चलाएगा कौन, मिटाएगा भी कौन, तो शेयर बेचने के लिए प्रोसीजर भी कौन देगा, समझा मेरी बात को, हाँ तो वो बताऊंगा वो आगे काम है। अब जहां से भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर बेचा पब्लिक को कॉमन पीपल को, तो उस मार्केट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट, और जो प्राइस पे हमने शेयर बेचा उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर इशूइंग वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, हिस्सा फिक्स करना फेस वैल्यू, जो भाव से बेचना इशूइंग वैल्यू, कौन से भाव, कौन से मार्केट में, प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या है बताओ, ऐसा कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर कंपनी अपना शेयर बेचकर तुमको आजीवन काल के अंदर मालक बना रही है, तो उस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मार्केट। यानी अगर आपको डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदना है तो प्राइमरी मार्केट में ही शेयर खरीदने को मिलेगा, समझा क्या। और ऐसे आप प्राइमरी मार्केट में पहले कंपनी ऑफर करेगी शेयर, फिर तुम पैसे मांगेगी, पूछो क्यों, क्योंकि पैसा चाहिए कंपनी को, तभी तुमसे मांगेगी, जब ऐसे तुमको मालक बना के अपने सर पे नहीं बिठाएंगे। अरे मालक बनाएंगी तो उनको हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी ना हर चीज में, जब ऐसी मालक बनाएंगे बताओ। अब तुम बताओ, तुम्हें अपनी दुकान के अंदर अगर तुम्हारा सब सही चल रहा, तुम जबरदस्ती मालक बढ़ाओगे क्या, नहीं, काय को मैं अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करूं, सही कि नहीं। तो यहाँ भी जबरदस्त तुमको मालक तो बनाएंगे, कंपनी को फाइनेंस जब रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, तब भी कंपनी शेयर बेचेगी, और शेयर बेच रही तो तुम्हारे वो अपने ओनरशिप के हिस्से बेच रही, तुमको मालक बना रही। सिंप्लीफाइड है, पक्का, अच्छे से। अच्छा तुम अपने 11 वाले फ्रेंड से पूछो शेयर के कितने मार्केट होते, दे डोंट नो। हाँ कौन, वो तो अपनी है ना, हाँ देखेंगे बाद में।
नहीं जो नहीं आए हैं उनसे तो हमारी विश्व मंगल की पूछना, जादू शब्द मेरे पास आएंगे अपने आप। हाँ आओगे तो समझेगा, नहीं आओगे तो तुम देखो तुम्हारा नसीब। आगे बढ़ू, यहां तक समझा? सुनो अब अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुई है। अब सर पहले बताओ प्राइमरी फेस वैल्यू और इश्यूइंग वैल्यू में फर्क क्या है? कुछ नहीं, फेस वैल्यू ही इश्यूइंग वैल्यू बन सकती, लेकिन फेस वैल्यू ही सिर्फ इश्यूइंग वैल्यू नहीं बन सकती। बोलू फिर से बोलू स्टेटमेंट सुनो, फेस वैल्यू भी इश्यूइंग वैल्यू बन सकती एक शेयर की, लेकिन फेस वैल्यू ही इश्यूइंग वैल्यू नहीं बन सकती। बी और ही में फर्क है, और ही और बी में फर्क क्या है उसका सस्पेंस मैं आगे खोलूंगा समय के साथ धीरे धीरे। देखो छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब कर क्लियर कराना, पीछे की भी गाओ तो आगे भी करूंगा, टेंशन मत लो। अब बताओ व्हाट इज इश्यूइंग वैल्यू, कोई पूछेगा तो क्या बोलूंगी सुनो, जो भाव में पीयूष जो भाव से कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए कॉमन पीपल को निकालेगी प्राइमरी मार्केट के अंदर, कहां पे? प्राइमरी मार्केट के अंदर, उस वैल्यू को हम बोलेंगे इश्यूइंग वैल्यू। और फेस वैल्यू भी इश्यूइंग वैल्यू बन सकती है, यानी अगर मैं चाहूं तो 100 रुपए का हमने रखा है ना कम से कम प्राइस, तो 100 रुपए का मैं एक शेयर बेच सकता हूं कॉमन को, लेकिन 100 रुपए का ही बेचना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो आगे ये आपको समझ में आ गया तो समझाना, आपको 12 का अकाउंट का 8 मार्क टाइट वो इश्यू ऑफ शेयर का, और प्लस पूरा एसपी 12 का 80 मार्क टाइट। सच में बोल रहा हूं, मुझे 12 में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पोक करना है। हाँ बाकी तुम्हारा यहीं पे हो रहा है सब कुछ पिक्चर। तो बेटा मेरे यहां पे कोई फेल होता क्या फिर? तू कैसे पूछ रहा पास होंगी कि नहीं होंगी? रिकॉर्ड है बेटा रिकॉर्ड। तेरी बहन ने देखो यहां भेजाऊंगा, सोच के भेजाऊंगा ना, तेरे भाई ने भेजाऊंगा। हाँ प्राइमरी मार्केट कोई ऐसे कोई ए देखो, अब प्राइमरी मार्केट वाइज नो डिस्कशन, देख भाई मैं तुमको बता रहा हूं, प्राइमरी मार्केट कोई भी ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पे तुमको मैं दिखाऊंगा कि हाँ यही प्लेस जाओ शेयर मिलता। देखो मार्केट दो चीज के लिए बना हुआ है, एक शेयर मार्केट शेयर बाजार, और दूसरा आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट यानी क्या? कॉमन पीपल जो चीजें खरीदते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर सर्वाइव करने के लिए, वो सारे मार्केट वो सब एक एक प्लेस से बना हुआ है, स्पेसिफिक लोकेशन उसकी क्या है। बराबर कि नहीं? तो कमोडिटी मार्केट की एक स्पेसिफिक लोकेशन है, क्या है? और वहीं वो चीज मिलेंगी आपको। कपड़ा खरीदना है कपड़ा बाजार जाओ, कपड़ा बाजार कहाँ है? तिलक रोड, गांधी रोड, यहाँ जटारपेट। बराबर कि नहीं? आप मत बोलो, मैं खुद ही बोलता, चुप बैठ चुप। नहीं एक जना बोलता फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। फिर किराना चाहिए, घर में शादी है, किराना चाहिए भरपूर, हम जाएंगे किराना मार्केट में। किराना मार्केट में क्या होता है, नंबर ऑफ बायर और सेलर बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट हो या दूसरा मार्केट सेकेंडरी मार्केट हो, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। जिस भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कंपनी ने अपने शेयर बेचना शुरू किया, उस मार्केट को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। और कंपनी अभी आम जनता को इन्वॉल्व नहीं कर सकती जब तक कंपनी पूरी फॉर्म नहीं होती। अभी तुमको मैं आगे के रास्ते बता रहा हूँ, आगे क्या आएगा। अभी तक के बेचे के शेयर नहीं, अब तो प्रमोटर के हिस्से में शेयर नहीं आए हुए हैं। पूछो क्यों, कंपनी बनी कहाँ है अभी तक? अरे बनी कहाँ है, बनने के बाद मालक बनाएंगे ना। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कि आगे क्या होगा। समझा आपको क्लियर? यानी कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, तुम यहीं जाके, लोकेशन नहीं है इसकी कोई मार्केट की कि तुमको वहीं जाना। जो भी एप्लीकेशन एग्जाम्पल अभी मैं बोलता हूँ, मैंने एक ट्रेड ऐप बनाया, ट्रेड ऐप मेरे सपोज फॉर एग्जाम्पल इसका एक ट्रेड ऐप है, सपोज संपूर्ण ने एक संपूर्ण डेवलपर है और संपूर्ण ने ट्रेड ऐप बनाया, ट्रेड ऐप, और ट्रेड ऐप के अंदर मेरे पास आता संपूर्ण बोलते सर
हमने सुना आप अपनी कंपनी के शेयर निकाल रहे हो, लाओ बोला ठीक है काम करो मैं आपको शेयर बिकवा के देता हूँ, बस टेंशन मत लो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ऑनलाइन सब अप्लाई कर दो कि हम जिसको शेयर खरीदना है ट्रेड ऐप में खरीदो, तो ट्रेड ऐप में तुमको अप्लाई करके पैसे भी तुम्हारे बैंक अकाउंट से जाके तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, शेयर आ जाएंगे अपने आप। तो तुमने शेयर जो खरीदा वो ट्रेड ऐप से खरीदा, वो ऐप क्या बन गया प्राइमरी। तो ऐसे कोई एप्लीकेशन या कोई ऑफलाइन लोकेशन वो कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकती है, जहां पे भी कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए निकाले उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट। हैंड रेस करो कोरस में, आंसर क्वेश्चन नहीं पूछना, न्यू इशू मार्केट लिखो। ये सब आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा, मैं जवाबदार नहीं रहूंगा। आपको अगर 0.1% भी नहीं समझे आप बिंदास पूछो, क्योंकि मैं एक एक चीज का स्टेटमेंट दे रहा हूं, बहुत धीरे चल रहा हूं, बहुत धीरे चल रहा हूं। आप देखो कैपिटल क्लॉज 3 दिन से पढ़ा रहा हूं। हाँ, व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट, क्वेश्चन लिख लिया आपने अपना, मैं ले लूंगा सबका क्वेश्चन, ठीक है एक मिनट को। बिकॉज हियर इन प्राइमरी मार्केट कंपनी इशू इट्स फ्रेश शेयर्स जो अभी तक के निकला नहीं है। अब सर ये क्या है, न्यू है पुराना भी होता कुछ? सुनो सर ये तो आप ऐसा बोल रहे हो जैसे कि शेयर एक चीज है, ये नया पुराना, सुनो ध्यान दो। एवरी शेयर्स इट्स ओन आइडेंटिटी नंबर, हर एक शेयर को अपना एक पहचान का नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्टिव नंबर, जो उसको अलग करता है, अलग रखता है। अब इसको मैं एग्जांपल देके पढ़ाऊं, समझो व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नंबर, इसको एक मिनट में समझा के दूं। किसके पास 500 रुपए का नोट है क्या? दे दो, 100 रुपए का ही दे दो भैया, एक मिनट रुकना बाबा, तू आए ऐसे बेमानी करोगे तो मैं नहीं करूंगा। ए बच्चे लोग 100 का 500 देगा, हाँ ठीक है 500 भी नहीं, 500 नहीं मिलो 100 का ला, नहीं ये नहीं चाहिए, हरा नया वाला था, नया वाला कौन सा है, ग्रीन, हाँ ग्रीन दे भाई, नहीं ब्लू है ना, ब्लू कौन सा, ब्लू है ना नीला, ए 100 रुपए आस्ता इधरा, आस्ता इधरा, अब आस्ता एक ना रुको भाई, आस्था मुझे बताएगी इसमें से उसका कौन सा और मेरा कौन सा, ले एक मिनट शांत, बस तेरा ये कैसे मालूम पड़ा? दिखा दो, मैं भी पुराना नोट नहीं रखता, पुराने नोट में, अब जो पुराना और नया नोट होता कुछ नोट तो नोट होता है, दिखा अब देखो एक मिनट, हालांकि देखा जाए तो ये नोट आस्था का ही है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दिया था, ये मैंने अपनी जेब से निकाला, ये पुराना नोट उसका ही है एक्चुअली। और दूसरी बात जब मैंने अपनी जेब से नोट निकाला ना, हाँ नोट निकाला ना, तो ये नोट को देखो, दो नोट 100 रुपए दिखने में सेम दिखते हैं, वैसे ही शेयर दिखने में बिल्कुल सेम है। इसके पास क्या शेयर, इसके पास क्या शेयर, अरे एक्स के पास क्या शेयर, वाई के पास क्या शेयर, मालक ये दोनों बना रहे मालक ये, 100 रुपए में ये दू या ये दू, 100 रुपए की वैल्यू कभी चेंज होती क्या? लेकिन आप देखो इस 100 रुपए के अंदर एक नंबर लगा हुआ है, नंबर, और ये नंबर उसको अलग बनाती है
हर एक से, हर एक 100 के नोट से, बराबर कि नहीं? तो जिस तरीके से एक 100 रुपए के नोट को अलग कर देखना है, अलग तरीके देखना है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वैल्यू सेम है, लेकिन ये नंबर उसका उसको अलग कर देता है, क्योंकि जब मैंने अपने जेब से निकाली तो मैंने 712 रुपए वाला नंबर निकाला था अपने जेब से, नया वाला, और जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो आस्था थी, मुझे आस्था तेरा कौन सा, तो आस्था नहीं मेरा वाला, बोला मेरा है सर। अब इससे इजी एग्जांपल क्या दूं, 100 रुपए 100 रुपए, नो वैल्यू चेंज, पुराना नो नया, 100 रुपए सेम इक्वल वैल्यू, बट एवरी 100 रुपीज हैज इट्स ओन आइडेंटिटी नंबर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्टिव नंबर। वैसे ही जब कंपनी अपने शेयर्स निकालती है तो उसको एक अलग से नंबर होता है, वो नंबर कौन से वाले नंबर वाले शेयर आपके पास है, वो उसको एक अलग से आइडेंटिटी देती है, और उस आइडेंटिटी को नाम दिया डिस्टिंक्टिव नंबर। और जो अभी तक के नए शेयर अभी निकाले, नए वाले जो अभी तक निकले हुए नहीं थे, तो उसको बोलते हैं न्यू शेयर्स, और उसी को उस जो मार्केट में निकाले वो शेयर जो अभी तक के एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, अभी अभी नंबर डाल के उसको निकाला, ये नंबर वाला शेयर है, तो उसको नाम दिया न्यू, इस मार्केट को नाम दिया न्यू इशू मार्केट। हाँ कौन सा दूं, नहीं कोई भी ले बेटा, मुझे क्या करना है, मेरे को तो यूज ही करना है, ये नया ले ले, नहीं लेने दे कोई बात नहीं, तू रख दे मेरे को तो यूज होता है, नया ले ले बस। अरे भाई मैं लड़कियां जनरली कराती सेविंग्स करती है, ले चलो गॉट इट। पैसे को एक नंबर है, शेयर को भी एक नंबर होता है, और कौन से नंबर वाला शेयर आपके पास है ये डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक नंबर जाता है, और वो नंबर अभी तक के वो वाले नंबर वाले शेयर मार्केट में निकले हुए नहीं है, उसको बोलते हैं, वो बात की बात है अभी फिलहाल में, उस पर वो नंबर वंबर से बताऊंगा मैं आपको, लेकिन समय के अभी नहीं। तो एवरी शेयर हैज इट्स ओन आइडेंटिटी नंबर, ओके? पूछो क्यों? देखो दिखने में अगर इसके पास भाटिया कंपनी के शेयर है और इसके पास भाटिया कंपनी शेयर है एक्स और वाई के पास, दिखने में दोनों शेयर होल्डर है, माला के सब राइट सेम है, ओनरशिप है दोनों को, डिविडेंड मिलेगा, लेकिन स्टिल भाई हमारे कंपनी के पास डेटा क्या रहे कि कौन से नंबर के शेयर किसके पास है, कौन से नंबर के शेयर किसके पास है, ये कैसे मालूम पड़े? तो इसलिए हर शेयर को एक अलग से नंबर दिया जाता है, उस नंबर को आज के बाद क्या बोलोगे, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर। अब अपने भाइयों और कलीग से पूछना 11th वाले बच्चों से जो तुम्हारे जो वहाँ सब बोलते सब्जेक्ट हो गया पूरा, हाँ नहीं मेरे बच्चों को पता है, हाँ ठीक है, नहीं बेटा सब्जेक्ट का निपटा देना, फटाफट इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी बन के खत्म करो, वो नहीं होता पढ़ाना, ओके समझा? हाँ एक मिनट, सेकेंडरी मार्केट प्रांत दे भाई मेरे को, हाँ the shares of हर्ष मुझे। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा आपको, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए the shares of public company limited is freely transferable property for the member or for the shareholder, and when the company when the shareholder wants to sell out his shares, so there is a one market available for that shareholder in which he or she can sell out his share at any time without any consent, and that market is known as secondary market of the share, and the price in which share is traded in secondary market, share is traded and buying or selling in secondary market, that is called as market value of share. The market value of share is fluctuated at the fraction of seconds. मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं, शांत बैठो, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, पहले कुछ बताना होता नहीं, पहले तुम पूछ लेते हो, मैंने बोला कि हो गया, हाँ बेटा इंग्लिश में बोलना पड़ता है, इंग्लिश में पढ़ा रहा भाई मैं, तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, तो क्या लोग देखेंगे वीडियो बोलेंगे ये तो हिंदी में बोल दिया रहा कुछ ना कुछ, हाँ इसलिए तुमने मैं वैसे भी मेरी हिंदी बोले बोलो के मेरी इंग्लिश की पूरी धच्ची उड़ा दी है,
एक आधा स्टेटमेंट वो क्या बोलता, तुम्हारे पूरे सर के ऊपर जाता, क्या करूं मैं। इसी तरह हिंदी मीडियम पढ़ना था ना, लेकिन हिंदी पूरी नहीं आती उनको शुद्ध वाली। हाँ सुनो सुनो, देखो अब क्या होता है, एक शेयर पब्लिक कंपनी के शोल्डर के लिए यानी मेंबर के लिए फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। ट्रांसफरेबल क्या, जैसे देखो एक बार कंपनी ने अपने प्राइमरी मार्केट में शेयर निकाले इशूइंग वैल्यू से, तो वो पैसा कंपनी के पास लॉक्ड होता है। क्या होता है, लॉक्ड, वो अब तुमको वापस नहीं मिलेगा। अब सर ये तो अटकने वाले काम है, नहीं है, लॉ ने जस्टिस के लिए काम किया हुआ है और इसलिए सेकेंडरी मार्केट बनाया हुआ है कि अगर किसी शेयर होल्डर को शेयर बेचना है तो एक ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर बैठे रहते हैं। तुमको शेयर बेचना है तो विदाउट किसी पूछे बिना तुम अपने जो 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 मार्केट वैल्यू जो भाव दे रहा है वो मार्केट तय करता है भाव। वो कैसे निकलता है, वो आगे का पढ़ाई है, आगे भी नहीं, वो जब हाई लेवल पढ़ोगे ना एमडी की पढ़ाई, तब अभी एमबीबीएस पढ़ रहे हो अकाउंट्स में। अरे एग्जांपल दिया जस्ट, तू तो सीरियस लगी पढ़ी है ने? तुम बैचलर डिग्री पढ़ रहे हो, वो आगे हाई लेवल की पढ़ाई में सिंपल। तो जब एक शेयर होल्डर को अपने शेयर बेचना है तो वो क्वेश्चन है कि क्या वो अपने शेयर बेच सकता है क्या और मेंबरशिप वहां से निकल सकता क्या। भाई मेरे को निकलना है, सेट मेरे को चाहिए ही नहीं मारा करना सब। तो उसका आंसर है यस। अगर आपके पास पब्लिक कंपनी का कोई शेयर है, कॉमन पीपल के पास, वो अपना शेयर कभी भी किसी को भी बेच सकता है किसी भी बिना पूछे, क्योंकि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। प्राइवेट में नहीं, मैंने बोला द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड इज फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है सेल करना, बेच करना, बेचना, अपना ओनरशिप ट्रांसफर करना किसी को, बेचना। तो जब कोई शेयर होल्डर किसी को अपने शेयर बेचना चाहे वो बेच सकता है विदाउट एनी कंसेंट, और जिस ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में जहां पे भी वो शेयर आपका बिक रहा होगा, वहां बेच दिया आपने अपने शेयर होल्डर बिना कंपनी से पूछे, तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, जहां पे सेकेंड हैंड शेयर, चूंकि अब वो सेकेंड हैंड हो गए, क्या हो गए, न्यू शेयर आपको कंपनी से मिले, और अब जो पर्सन खरीद रहा है वो कंपनी से नहीं खरीद रहा, वो उस शेयर होल्डर से खरीद रहा जिसके पास वो शेयर कंपनी ने दिए हुए, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट। एग्जांपल दो अभी, सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सपोज हमने 5 लाख रुपए के 50 लाख के शेयर निकाले, अब कितने निकाले, 50,000 शेयर, 50,000 शेयर हमने 100 रुपए वाले 50 लाख कलेक्ट करने के लिए होते ना, 50 लाख 50 लाख शेयर कैपिटल कलेक्ट करने के लिए पब्लिक को ऑफर किए, कौन से मार्केट में ऑफर करेंगे बताओ, प्राइमरी मार्केट में। अब इसमें से सारंग नाम का एक पर्सन था जिसको हम जानते नहीं है, उसने उसमें 10 शेयर अप्लाई किए, 10 शेयर 100 रुपए वाले, हमने बोला मंजूर ले चल फिलहाल फिलहाल हम तेको मालक बना रहे। अब 100 रुपए के 10 शेयर के कितने होते हैं, 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए उसने कंपनी के अंदर कैपिटल डाला कि नहीं डाला, यानी 50 लाख के अंदर मैं बोलूंगा सारंग के कितने कैपिटल, 50 लाख के अंदर सारंग का कितना कैपिटल, 1,000 रुपए उसका कैपिटल, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं। ऐसे बहुत सारे टुकड़े का कैपिटल आया हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा शेयर कैपिटल। बोलते सुन, अब सारंग को सारंग ने 1 साल उसने अपने पास शेयर रखा, साल के एंड में उसको डिविडेंड मिला, मजा आया, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए शेयर बोले तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। पूछो क्यों, अरे इन्वेस्ट तुमको एक ही बार करना है और हर बार सोने का अंडा तुमको, प्रॉफिट तुमको हर साल मिलेगा ना, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं लॉस भी मिलता है, वो जिन है, जिन वो जिन नहीं होता, वो चिराग चिराग, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो, वैसे शेयर है तुम्हारे लिए वो चिराग है, ऐसे निकालो और बोले प्रॉफिट ला तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस हुआ तो लॉस भी सफर तुमको ही करना पड़ेगा, तुम मालक हो कौन तुम, और मालक सब झेलता है प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल दिया, सही में जिन नहीं मानना उसको, चिराग नहीं मानना उसको, एग्जाम्पल दिया। हाँ अरे समझ में आ रहा है तुमको, हाँ उन्हें तो कोई पूछूंगा बोले तो क्या शेयर में, तो क्या बोलेंगे सोने की मुर्गी। मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या दिया एग्जाम्पल, जस्ट उसको लेके नहीं बैठना, मैं तो नाम खराब करूंगी मेरा, बोलेंगे किसने पढ़ाया। सुनो ए स्पष्ट कर दूं, तो हुआ क्या यहाँ पे, अब उसने 1 साल प्रॉफिट एंजॉय किया, 2 साल प्रॉफिट एंजॉय किया, अब 3rd साल में उसको अपना शेयर बेचना है, बस बोला मेरे को अभी पैसे चाहिए वापस, मेरे को नहीं निकलना है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, अब उसको निकलना है, यानी मालिकाना शेयर बोर हो रहा है, नहीं नहीं चाहिए अब मेरे को पैसे चाहिए मेरे पास, 1,000 रुपए या जितने भी मिले मेरे को,
तो अब वो कंपनी के पास आता है, बोलता है भैया ये अपना शेयर लो और मेरे को पैसा वापस दो। हम बोलते नहीं देंगे, हम क्यों देंगे, आप मान लो कंपनी के वापस नहीं मिलेगा पैसा। तो ये तो अजीब वाला काम हो गया, ये तो अटकने वाले काम हो गए, बराबर कि नहीं। नहीं भैया आपके लिए हमने सेकेंडरी मार्केट खुला हुआ है, वहां पे जाओ। तो वहां पे सेकेंडरी मार्केट में अप्लाई करता है, कोई है क्या खरीदने वाला ऐसा, बराबर कि नहीं। तो उसमें से फिर तरुण बोलता है कि हाँ मैं हूं, दे देगा मेरे को, ठीक है। फिर उनका एक भाव जो है वो मार्केट तय करता है, कौन सा मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और वो जो भाव, वो आज का भाव जो बोल रहा उस टाइम का भाव जो भी रहेगा, उस भाव से वो शेयर होल्डर अपना शेयर बेचेगा किसको, तरुण को। इसकी मेंबरशिप टूट गई और उसकी मेंबरशिप जुड़ गई। और जो 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 शेयर की ट्रेडिंग हुई, क्या हुई ट्रेडिंग, एक ने बाय किया एक ने सेल किया, वो जो ट्रेडिंग हुई उस ट्रेडिंग जो मार्केट का वो बोला वो सेकेंडरी मार्केट में। अब यहाँ पे वो तरुण ने जो शेयर खरीदा किससे, सारंग से, तो उसको कंपनी ने शेयर नहीं दिया, वो शेयर उसने किससे खरीदा, शेयर होल्डर से खरीदा। तो जो शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चाहेगा किसी थर्ड पार्टी को और उसको मालिक बनाएगा, तो वो मार्केट को बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वहां पे सेकेंड हैंड शेयर बिका, सेकेंड हैंड। कंपनी ने आपको शेयर दिया क्या, नहीं। इसलिए कंपनी के पास शेयर का जो पैसा एक बार आ गया वो लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ओन कैपिटल बीच रास्ते निकल सकता नहीं है। तो आपको अगर शेयर अगर निकलना है तो यू कैन सेल आउट योर शेयर विच मार्केट, सेकेंडरी, कौन से भाव से, मार्केट वैल्यू से। और एक शेयर का भाव मार्केट वैल्यू कितना होता है, अगर कंपनी कमा रही है अच्छी, कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो 100 रुपए वाला शेयर 5,000-50,000 रुपए का भी जाता है। और सही मायने में बताऊं मैं तो, एक शेयर होल्डर प्रॉफिट से नहीं कमाता, उससे ज्यादा कमाता वो मार्केट वैल्यू से, किसी बचता। और ये मार्केट वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होती है, कैसे, डिमांड और सप्लाई से। उसके लिए इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई वाला टीचर कौन है, इकोनॉमिक मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अब सर ये शेयर का भाव सिखाऊंगे, मार्केट वैल्यू अभी नहीं, बहुत आगे वो। लेकिन आपने क्या सीखा कि मार्केट वैल्यू फिक्स करता है सेकेंडरी मार्केट। और इंडिया के अंदर सेकेंडरी मार्केट जो है वो दो बड़े मार्केट है, दो बड़े मार्केट ऑनलाइन मार्केट है वो, और उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज सुना है वर्ड, शेयर बाजार सुना है, शेयर बाजार। तो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी शेयर बाजार, ये शेयर बाजार के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो न्यू शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती है, वो शेयर होल्डर आपस में ही खरीदते बेचते हैं। कंपनी के पास एक बार पैसा आ गया, कंपनी उससे व्यापार कर रही है, और तुमको जिसको रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, हमको सिर्फ बताते रहना ताकि डिविडेंड उसके अकाउंट में डालते जाए। प्रॉफिट, प्रॉफिट, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट, डिविडेंड बढ़ाते गया नहीं, छोड़ो, समझा। जैसे ही सारंग ने अपने शेयर बेच दिया, किसको बेच दिया, तरुण को, तो आज से तरुण हमारा मालक बन गया, और अब जो प्रॉफिट मिलेगा अभी से वो किसको मिलेगा, तरुण को, और इसकी मेंबरशिप टूट गई। तो एक पब्लिक कंपनी के अंदर आप मालक कभी भी बन सकते हैं, और मालक शिप निकलना है तो कभी भी निकाल सकते हैं, क्या बेचकर, कौन से मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट जो है उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। और इंडिया के अंदर दो पॉपुलर मार्केट है जो पूरे इंडिया के अंदर, जम्मू टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कहीं भी बैठो अपने मोबाइल फोन के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग खरीद सकते हो। और वो कौन सा मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बहुत सारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ये सेकेंडरी मार्केट है, इसमें कंपनी कोई लुकआउट नहीं है, कंपनी तुमको नहीं बेच रही शेयर यहाँ पे, वो शेयर होल्डर आपस में अपने आप को ही बेच रहे शेयर्स। अब तरुण को अगर शेयर बेचना है तो वही मार्केट वैल्यू जो रहेगा उससे फिर कृष्णा खरीदेगा, कृष्णा से ऐसे वो कितने से भी शेयर कहीं भी गएगा, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई आगरा, ठीक है, ऐसे कहीं भी शेयर कहीं कभी ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग खरीदता है। खरीदने वाला कोई और होता है, बटन दबाओ खरीद लिया, बटन दबाओ शेयर बिक गया, अपने आप को ऑनलाइन पूरी ट्रेडिंग होती है, उस मार्केट को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब सर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सेकेंडरी मार्केट जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ऐसा नहीं है, इट मे बी ऑनलाइन इट मे बी ऑफलाइन। ऑफलाइन रहा तो आपको पर्टिकुलर प्लेस में जाके करना पड़ेगा ट्रेडिंग,
और ऑनलाइन रहा तो कंप्यूटर पे मोबाइल पे बैठे बैठे आपका शेयर बिकेगा भी, आपका शेयर खरीदेगा भी, लेकिन कंपनी नहीं बेच रही। कौन बेच रहा? ये आपस में ही खेल रहे शेयर होल्डर। समझा? और शेयर बेचने को लॉ ने एक नाम दिया है, याद रखोगे, शॉर्ट नोट आएंगे 4 मार्क की इसके ऊपर, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। बेचने को बेचना नहीं बोलते लोकल भाषा में, क्या बोलते बेटा? ट्रांसफर ऑफ शेयर। हाँ, अब एक एक करके क्वेश्चन ले रहे, फिर यहां पे सेशन समाप्त करें। अब बताओ आज के बाद मार्केट वैल्यू, जो उसने बताया कि सर 100 रुपए हमने 200 बेचना है, तो कहां बेचोगे? सेकेंडरी मार्केट। समझा पीयूष? पीयूष आपका आंसर मिल गया आपको कि मेरे को अगर 200 का बेचना है तो तुम 500 का बेचो ना, लेकिन सेकेंडरी मार्केट। इसमें कंपनी को पैसा आ रहा क्या? जो बेच रहा उसको पैसा आ रहा और जो खरीद रहा उसके पास शेयर जा रहे, खत्म। यहाँ पे कंपनी का कोई लुकआउट नहीं है, कंपनी सिर्फ कहाँ खेलती है? प्राइमरी मार्केट। अच्छा एक और बात सुनो, अब प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी अपने शेयर निकालती है वो दो तरीके से निकालती है, दो तरीके से। वो आता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। आईपीओ का नाम सुना है? अबे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, सुना है? हाँ। तो ये प्राइमरी मार्केट में कल आपको आईपीओ और एफपीओ क्या होता ये सुनाऊंगा, इसके ऊपर भी 4 मार्क की शॉर्ट नोट आएंगी 12th में। ये आईपीओ एफपीओ के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको चैप्टर ही है पूरा बड़ा 12th में। रिया डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? सर कंसेप्ट क्लियर हो रहे पूरे? तो शेयर की कितनी वैल्यू? 3। बोलो कौन कौन सी? मिनिमम वैल्यू फिक्स किया फॉर्मेशन के बाद, कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। जो प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचा भाव से वो वैल्यू कौन सी? इशुइंग वैल्यू। और जो सेकेंडरी मार्केट में आपस में ये शेयर खेलते हैं मार्केट, और मार्केट वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में फ्लक्चुएट होती है जितनी, हाँ, और वो फ्लक्चुएट में बदलती रहती है। फेस वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू बदलती रहेगी, और जो मार्केट वैल्यू रही प्रेजेंट वैल्यू उससे ही शेयर होल्डर वो थर्ड पार्टी जो है वो शेयर की ट्रेडिंग करेंगे और वो तय करता है स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन क्या है लो? पहला एक मिनट, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। अब जो आप में से बात करेंगे आंसर वो देगा, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञानी पुरुष जैसा लग रहा मुझे, या ज्ञानी महिला है। बोलो मार्केट वैल्यू, शेयर का भाव गिरता है बढ़ता है मार्केट वैल्यू। मैंने क्या बोला? मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट का मतलब से बढ़ना नहीं होता है, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन, गिरना बढ़ना, गिरना बढ़ना बढ़ना। उसको आगे बताएंगे। तुम जाओ ध्यान दोगे तो क्या बराबर बताएंगे क्या? क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, खड़े होके पूछो, खड़े होके पूछो पूछो पूछो। हाँ मालूम है। देखो एक क्वेश्चन है कि सर अगर कंपनी लॉस में जा रही तो कोई उसका शेयर खरीदेगा ही नहीं। एक मिनट भाई रुको ना, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उस कंपनी के शेयर का भाव कम कर देगी, चला देगी कम, और शेयर का भाव कम हो गया अगर उसका, तो कोई भी क्या सोचता कि अभी लॉस में आगे बढ़ेगा। और एक और बात सुन लीजिए, लॉस देखो सुनो, ये बात सही है कि मार्केट वैल्यू जो है ना वो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी पे तय होती है। कंपनी कमा रही अच्छा तो शेयर का भाव बढ़ेगा, कंपनी कमाए लॉस में आएंगी तो, और ये जो बिजनेस है वो रोज का रोज तय होता है, रोज का रोज, इसलिए मार्केट वैल्यू रोज बदलता रहता है। ये साल साल पर वेट नहीं करती, हाँ स्टॉक एक्सचेंज बनना नहीं, तुम साल पर बिजनेस कर लो फिर अपन मार्केट वैल्यू तय करेंगे, ऐसे नहीं। रोज बिजनेस क्या हो रहा, सुबह दुकान खुली शाम तक क्या हुआ, आज कमाई की नुकसान हुई, बड़ा नुकसान हुई, समझा? यहां से बिजनेस चल रहा है, यहां से कंपनी अपना डेटा स्टॉक एक्सचेंज को भेज रही है, और यहां से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है सेकेंडरी मार्केट वो शेयर का भाव फ्लक्चुएट करता रहा, और ये सब सॉफ्टवेयर करता है इसलिए बहुत फास्ट होता है, इसलिए शेयर का वैल्यू जो है वो कंप्यूटराइज वे से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बदल रहा है, डेटा अपने आप यहाँ से भर रहा है, यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अपने सॉफ्टवेयर से
मार्केट वैल्यू निकाल जा रही है। अब मार्केट वैल्यू निकलता कैसे है, वो दो तरीके से निकलता है, यील्ड मेथड और इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। फिलहाल मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये आपकी पोर्शन में नहीं है, कभी ट्वेल्थ में मूड रहा तो बता दूंगा, मतलब तुम्हारे पोर्शन में है ही नहीं। इट इज गुड, इट इज जीके फॉर यू। इच्छा हुई तो बताऊंगा, नहीं हुई तो क्या को बताऊं मैं, बंदे हो तो ही नहीं। अरे बंदा हुआ क्या है तुम्हारा, मेरा चिट्ठा 11 12 का, वो तुम्हारे पोर्शन में है ही नहीं। मैंने क्या बोला अभी आपने सुना नहीं शायद से, मैंने बोला यहां से कंपनी करेगी बिजनेस, डेटा भरेंगी कंप्यूटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को डेटा मिलेगा, उस डेटा से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। तो इसी को तो गैम्बलिंग बोलते हैं, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, प्रिडिक्शन करना। आगे हाँ पूछो, आगे बताइए। इतने टाइटल नहीं खोल सकते एक साथ। क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सर सपोज प्राइमरी में, प्राइमरी मार्केट में हमको 100 रुपए का मिल रहा है, और यही सेकेंडरी मार्केट में हमको 10,000 का शेयर मिल रहा है, वो मार्केट भी 10,000 हो गई, होता है 100-10 रुपए का एमआरएफ टायर का शेयर आज 10,000 रुपए का बिकता है, 1,00,000 का भी बिकता है, 1,00,000 का जा चुका है अभी तक मार्केट वैल्यू। वो मार्केट वैल्यू जब तक आप तय कैसे तय होती है वो नहीं समझोगे ना, जब तक आपको समझेगा नहीं कि इतना महंगा कैसे जाता है। चलो मैंने क्या बोला, शेयर बोले तो सोने की मुर्गी तुम्हारी, अंडा देंगी यानी प्रॉफिट देती रहेंगी तो भी अच्छा है, तुमने उसको बेच दिया काट के तो भी अच्छा है। सुनो अब ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छा है, क्या क्वेश्चन है कि सर अगर प्राइमरी मार्केट में 100 रुपए का शेयर मिल रहा और सेकेंडरी में 1,000-2,000 का मिल रहा शेयर, तो हम सेकेंडरी में खरीदेंगे क्यों? मैं आपको बोलूंगा मैं प्राइमरी में पहले बेचूं तो सही, हम आपको बेचेंगे क्यों? सुनो कंपनी हमेशा ना, कोई भी दुकान है ना, कोई भी दुकान कंपनी रहे या कोई भी दुकान छोटी दुकान रहे, छोटी दुकान तो शेयर बेचती नहीं है, लेकिन कोई भी हिस्सेदारी जो है ना, हिस्सेदारी वो अपने इनिशियल स्टेज में ही देता है। एक देखो तुम बताओ, एक दुकान को कैपिटल कब लगता है? सिर्फ स्टार्टिंग में। पूछो क्यों? एक बार दुकान चल गई तो अपना वो कैपिटल रीजनरेट खुद ही करती ना, उसको तुम्हारे कैपिटल से मतलब नहीं है। दुकान कभी मालक से एक ही बार मांगेगी, वो भी स्टार्टिंग में। एक बार दुकान वेल एस्टेब्लिश हो गई वो की मांगेंगी। अब तुम दिखाओ वनस कॉमर्स क्लास के अंदर मैं जो इन्वेस्टमेंट की होंगी वो स्टार्टिंग में की होंगी सर। अब वनस कॉमर्स क्लास का खुद का काम है कि खुद को भी पाले और मुझे भी पाले, बार बार मुझसे बोलेंगी कैपिटल आ कैपिटल आ कैपिटल, तुम्हारा वनस तू बंद हो जा। क्यों? क्योंकि जो दुकान बार बार मालक से कैपिटल मांगेगी वो दुकान में काम की नहीं, क्योंकि खुद को नहीं पाल पा रही तो मुझे क्या पालेंगी। और कोई भी मालक दुकान क्यों खोलता, ये एक्सपेक्ट है कि खुद को भी पाले बढ़ाए और मुझे भी साथ में बढ़ाए फाइनेंशियली प्रॉफिट दे देकर, बराबर कि नहीं, मानते हो कि नहीं? तो इसलिए कभी भी ना कोई भी कंपनी जो अपने शेयर निकालती है ना वो सिर्फ इनिशियल स्टेज निकालती है, एक बार वेल एस्टेब्लिश हो गई वो अपने शेयर नहीं निकालेगी। फिर तुम आपस में जो शेयर निकले हुए वही खेलते बैठो सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ये अभी हमने 50,00,000 के शेयर निकाले स्टार्टिंग है, इसलिए 1-2 साल हो गए बिजनेस चल गया अच्छे से, फिर तुमसे हमको कहा कि लागत चाहिए, हम तो खुद ही लागत निकालने की कैपिटल ना, दुकान चले ना हमारी अच्छी कमाई, प्रॉफिट क्रिएट कैपिटल मोर कैपिटल। समझा? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। बस अब मैं कल कैपिटल क्लॉज नहीं पढ़ाऊंगा, कैपिटल क्लॉज पढ़ाते पढ़ाते टाइप्स ऑफ मार्केट भी हो गया, शेयर के लिए कितने मार्केट। हाँ कल मैं आपको प्राइमरी मार्केट के आईपीओ एफपीओ याद दिलाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, याद दिलाऊंगे तो कल पिक्चर यहाँ से शुरू होगी। ओके चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, इट मींस ऑन नेक्स्ट सेशन।